सच सच होता है, हौसला बनाए रखें, जीत निश्चित ही होगी। सच को डराया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया है जहां एक अखबार के पत्रकार विशाल भारद्वाज द्वारा सभासद पति पर पीएम आवास बनवाने की खबर समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। जब मामले की जानकारी सभासद को हुई तो वह पत्रकार पर दबाव बनाने लगा और खबर प्रकाशित नहीं करने के हर हथकंडे अपनाने लगा। इसके बाद खबर से बौखलाए सभासद अपने 8-10 दबंगों के साथ दूसरे अखबार के ब्यूरो कार्यालय में पहुंच गए, जहां से इस मामले का कोई संबंध ही नहीं था। वहां पर ब्यूरो सहित संपादक तक को धमकी दे डाली। दबंग सभासद पति कूट रचित होकर पीएम आवास बनवाने में कामयाब हो गया। जब इस मामले की जानकारी अधिकारियों के सामने आई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद अधिकारी मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने को कह रहे हैं, लेकिन मामला राजनीति के साथ काफी गंभीर होने के कारण कोई भी अधिकारी इसमें अभी तक कोई जांच नहीं की है। मोहल्ला हिदायतनगर के सभासद पति नईम खान ने पीएम आवास पात्र होकर बनवा लिया, जबकि इसकी खबर 17 जून को एक अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। तब वह पत्रकार एक दूसरे अखबार के कार्यालय में बैठा था। इसी बीच आरोपी नईम करामत कदीर सहित अपने 8-10 लोगों के साथ आकर आगे खबर नहीं छापने के लिए कार्यालय में जमकर उत्पात मचाने लगा। इस घटना की तहरीर ब्यूरो चीफ सुनहरा द्वारा कोतवाली में दी गई और घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन दबंग सभासद पति नईम को बचाने के लिए सभी वर्गों के लोग आ गए। इसी बीच सच की लड़ाई लड़ने के लिए ब्यूरो चीफ अकेली पड़ गई, मगर सच्चे की और अपने पराए की पहचान हो गई। इसके बाद सभी पत्रकारों ने एक साथ होकर जिला अधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह को एक अनुरोध पत्र देकर मामले को अवगत कराया। जब मामला बढ़ता देख नईम हर तरफ से ब्यूरो के ऊपर दबाव बनाने लगा, तब सभासद के विरुद्ध मोहल्ला हिदायत नगर सहित सुनहरी मस्जिद के पास हर जगह से सबूत वीडियो फोटो आने लगे। शहर के बाहर भी लोगों ने बताया कि इस दबंग सभासद की जांच की जाए। इस घटना के बाद सभी लोगों ने ब्यूरो को इतना समर्थन दिया है और दे रहे हैं, जिसमें ब्यूरो चीफ का मनोबल बढ़ने लगा है और आगे की सच्चाई और लड़ाई लड़ने के लिए सभी साथ दे रहे हैं।